आज लोजपा रामविलास के द्वारा सहरसा जिला स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मैं शामिल हुआ। आज की बैठक में संगठन को धारदार एवं सशक्त बनाने को लेकर चर्चा हुई तथा जिला कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि 15 दिनों के अंदर जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी एवं बूथ कमेटी का विस्तार किया जाए। साथ ही साथ हर बूथ पर कम से कम 10 ऐसे युवा को जोड़ा जाए जो पार्टी के लिए समर्पित हो। रविंदर भैया जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो पूरे प्रदेश में घूम घूम के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत कर बनाने में लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, वो लोग भी थोड़ा ध्यान दे। धन्यवाद जी का पद त्याग किया और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया। अगर अकेले कोई चुनाव लड़ने का निर्णय किया तो एक व्यक्ति उसका नाम चुनाव पास कर, दूसरा कोई नहीं। और अकेले नहीं लड़ते, कहा जाता है 15 सीट मिल पाता, 15 सीट मिलता तो हमारे 10-12 तो जीतते, हमारी मंत्री भी होती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मंत्री। लेकिन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट एक मिशन है, इस बिहार के बारे में एक सोच है, एक विकसित बिहार के बारे में सोच है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, परित्याग किया और उसी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए और बिहार में अपनी पार्टी की पोजिशन सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि आज राष्ट्रपति अध्यक्ष की नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही एकमात्र विकल्प बिहार के लिए है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए हम लोग संगठन पर जोर दे रहे हैं और जिला जिला, प्रखंड प्रखंड, गांव गांव हमने नारा दिया है, चलो लोजपा गांव की ओर। उस नारा को चरितार्थ करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इस 75 वर्षों में आज़ादी के बाद भी जो हमारा मूल रूप मौलिक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य का था, उस हमको नहीं मिला, आज बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं। जबकि बिहार की जो लोग हैं, जो आज भारतवर्ष के कम से कम 80% जिलों में अगर कोई IAS, IPS, SP या DM कोई उच्च पद पर अगर कोई बैठा हुआ है, वो व्यक्ति बिहारी है। लेकिन आज हम बिहार वासियों को भारतवर्ष के दूसरे स्टेट में गाली दिया जा रहा है। इस चीज को रोकने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं।